अजू ब्रो काम थोड़ा ये ऐसा वर्ड आओ या समझ भी अब अजू डाउन दो डाउन ब्रो अडाई दो हम फरी जाओ अजू थोड़ा फरी जाओ ना ना दीवाल दीवाल 90 डिग्री ओळखी जाए बजाय दोस्तों सुबह हो चुकी है, हम लोग दमन पहुंच चुके हैं। कल रात का पूरा ट्रैवलिंग वाला पार्ट नहीं बता पाए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और सुबह के बज रहे 7। हमको जाना है खड्डे में, यानी उसको बोलते हैं क्विरल लेक, अगर आगर क्वेरी लेक, वहां पर जाना है शूट करना। आज के हमारे जो क्लाइंट है वो यहाँ खड़ा है। ब्रो सुप्रभात, तो इनका सूट है पूरा। नजीक थी बिल्ली दाल हाँ ये जी जी बीजे तुम बार बार आप खड़ी हो आप आज वागर आई जाए गर्मी से चलो चश्मा लगा लाओ पकड़े दो एक अभी वस्तु मैंने पचास तो थक गया 250 का जो 50 लाओ लो सुख लो आओ कोई मन ले जाओ ऊट आई क्या जो बरोबर आइए साइड में दे सेंटर सेंटर अच्छा आ गया लो सर हां मान लो का जो ये मैं मना थामला नु पड़छ हो नड़ ये वैसे बाचो ना बस 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 बांधो ने प्रो थाम लो कर नाक्सू ना पाई लुका भाई ऊपर पुलिस वाला पर है थोड़ी देर में यस बहुत जोरदार फोटो चलो आई गई अब नहीं दम ना हो गम तो सर तो तुम खाली हाई लग
समा आगे उठा ले जाओ। नहीं चुप किया खाली कर। ए ब्रो कैसे एक बार जोरदार लाग से कर कर को। हम रहा हां ये भी है ना ना दीवाल दीवाल 90 डिग्री। हां सर सर तुम्हारा भी ना लाइट आप कैसे को बी बी धार्मिक भावाणी दिलीप 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 व्यंग सर को फोर्ट पर जा रहा है अभी फोर्ट पर जा रहा था लेकिन फोर्ट पर जाने से पहले यहाँ पर ही अच्छा था एक घर दिखा रहा था तो इसके भी कुछ फोटोशूट लेने वाला है और यहाँ पर भी कुछ घर है वहाँ पर भी लोग फोटोशूट करते हैं ब्लू घर बोलते हैं उसको ब्लू घर के नाम से वो फेमस है और हमने यहाँ ये हमारा आई थिंक ये दूसरे तो ये वीक का ये मंथ का तीसरा या चौथा शूट है तो उसी हिसाब से और इसके खोद काम नहीं कर सकता ऐसा लिखा फोटोग्राफी का फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है या नहीं है ये पुलिस स्टेशन और लेडी ऑफ रोजारियो प्रार्थना है ये वुड है पात्री मैम जो जो भी नजीक का जो लोग कैनन का यूज करते हैं अरे पात्री माउंट लेंस उसके लिए बेस्ट वुड है ऐसा आता है अब वो लंबे वाला नहीं आता पात्री मैम है तो उसकी साइज एकदम है देखो ये पात्री मैम का एकदम बेस्ट वुड है। रौनक भाई यहाँ पर हंस रहे हैं मैं थोड़ा इंट्रो दे मेरी हिंदी थोड़ी ढीली है तो इसी वजह से बोलने में कई शब्द गुजराती और मिक्स हो जाता है तो इसको हम बाबा हिंदी कहते हैं काठियावाड़ी में और उसी तरह की लैंग्वेज में बोलता हूँ। रौनक भाई के साथ रहते मैं इतना सीख गया हूँ कि कई जगह अपने खुद के ब्लॉग भी बनाना शुरू कर दूंगा और उससे मेरा भी यूट्यूब चैनल होगा। रौनक भाई का पहले सब्सक्राइब करना बाद में मेरा करना सब्सक्राइब चैनल। ओके थैंक यू वेरी लो गोटी वेरी लो गोटी आ चुके हैं करते सब गए सब रेडी है चलो भाई तू झाड़ू ना उतर अरे अभी डीएस लो अभी उतर दो चलो आओ तो ये है नारकोल बीच या पूरा जंगल एरिया है थोड़े बहुत अभी हम शूट करने वाले और अलग से भी अगर आपको सेटअप बनवाना है तो भी दोस्तों आप बनवा सकते हो उसका अलग से चार्ज लेते हैं ये लोग इसका भी चार्ज लेते हैं क्योंकि ये लोग प्रॉप्स लाते हैं फिर बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्ज होता है अच्छा सेटअप वगैरह तो जो भी आउटपुट होगा आप देख पाओगे किस तरह से हम फोटोग्राफी करने वाले और क्या आउटपुट आता है वो भी हम आपको बताएंगे तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक अभी पानी पीना है लगभग 3-4 घंटे हो गए पानी नहीं पिया है अब पानी पिएगा
क्लाइंट को अच्छा काम देना पड़ता है तो खाना बनाने भूल जाता है, तो इसीलिए हम क्या करें, बालाजी ब्रांड जो बालाजी ने पिछले हमारे लिए भी नहीं है, इन फ्यूचर सोच लिया होगा फोटोग्राफर की जरूरत पड़ी तो बालाजी। हाँ अजू ब्रो आम थोड़ा ऐसा वड़ा समझ गया भाई, डाउन दो डाउन ब्रो वड़ा एक दो आम फरी जाओ अजू थोड़ा फरी जाओ। તમારી પ્રોપર્ટી છે મને વાઇન ની થોડી ખબર હે કેમ નહી ખબર કેમ કે હું વાઇન નહી પીતો બીરા બીરા ઇઝ માય ફેવરેટ બ્રાન્ડ થેન્ક યુ જો જો